हेलो बच्चों लेट्स सी द क्वेश्चन द क्वेश्चन सेज विच क्लोरो डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन अमंग द फॉलोइंग वुड अंडरगो हाइड्रोलाइसिस मोस्ट स्टेडली विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फर्निश द कोरस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव चार कंपाउंड गिवन है हमें बताना है कि कौन सा इजिली रिएक्शन दे देगा दे तो देखो बच्चों सबसे पहले इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर मैं एक रिएक्शन की बात करूं तो यहाँ पे मैंने कोई भी बेंजीन डेरिवेटिव लिया और ये लिखाया मैंने क्या एक्स यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करी गई है तो हम इसी को लेकर डील कर लेते हैं ये ओ एच क्या करेगा अटैक करेगा रिंग में क्या होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डीलोकलाइज होगी ये नेगेटिव चार्ज ये एक्स ये ओ OH एच और ये आपके पास एक्स और फिर क्या होगा ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डीलोकलाइज होती रहेगी और फाइनली आपके पास ये जो एक्स है ये फर्स्ट स्टेप के थ्रू बाहर निकल जाएगा रिएक्शन में जो आपका फर्स्ट स्टेप है जो आपका फर्स्ट स्टेप है ये आर डी एस होता है स्लो होता है मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन इस स्टेप पर डिपेंड करती है स्टेप में आप देखोगे एक्स का नेचर सबस्टेट का नेचर सबस्टेट में एक्स आपके पास जितना बैटर इलेक्ट्रॉन विड्रोवल ग्रुप होगा उतना ही बैटरली क्या कर पाएगा ये इजिली क्या कर पाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से खींच पाएगा और ये जो कार्बन सेंटर है उतना अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर शो करेगा सेकेंड थिंग यहाँ पे आपके पास नेगेटिव चार्ज रिंग में आ रहा है तो जितना अच्छा आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रोवल ग्रुप होगा ना या जितने ज्यादा आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रोवल ग्रुप होंगे और इलेक्ट्रॉन विड्रोवल ग्रुप भी पर और और पर एंड पैरा उतनी ही बेटर क्या होगी रिएक्शन होगी तो अगर आपके पास गिवन है क्या कोई भी इलेक्ट्रॉन विद्रोवल भी नहीं है कोई भी इलेक्ट्रॉन विद्रोवल भी नहीं है और कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग भी नहीं है या फिर आपके पास क्लोरोबेंजिन कुछ ऐसा की बन है तो ये रिएक्शन होने में बहुत ड्रास्टिक कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे सिक्स टू थ्री कैलविन हमें चाहिए होता है और कुछ प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है थ्री टू रिएक्शन हमें देखने को मिलता है अब हमारे पास चार गिवन है।, ठीक है हमें पता लगाना है कि कौन से आपके पास इजिली रिएक्शन दे पाएगा ऑप्शन ए में देखो क्लोरिन के रिस्पेक्ट में ये है ओर्टो पोरिशन ये है आपके पास मेटा और ये है पैरा ये मेटा और ये ओर और तो यहाँ पे थ्री आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रोवल ग्रुप है ऑप्शन बी में देखो एक इलेक्ट्रॉन विड्रोवल है जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रोवल ग्रुप होंगे उतना ही अच्छा नेगेटिव चार्ज को क्या करेंगे वो स्टेबल करेंगे दैट मीन्स ए ज्यादा स्टेबल करेगा किससे बी से तो बी क्या हो जाएगा इनकरेक्ट सी के केस में तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट है तो ये भी पॉसिबल नहीं है डी के केस में क्लोरोबेंजीन गिवन है ड्रास्टिक कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है हैंस ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ओपन पे इट वेल बेस्ट ऑफ लव